गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम। गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, वेद है, काफी चीजें हैं और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी जो कोशिशें हैं मुझे और आपको इश्तियाल दिलाने की खातिर हैं। क्या गैर मुसलमान हमारे बिहेवियर को रीड तो नहीं कर गए हैं? क्या गैर मुसलमान ये तो नहीं देख गए हैं कि एज अ माइनॉरिटी हम एक न्यूसेंस हैं और एज अ मेजॉरिटी हम एक तानाशाह हैं, हम एक बुली हैं, हम एक डिक्टेटर हैं जो ना इज्जत करता है और ना करवाना चाहता है। दुनिया में जलालत के एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं पाकिस्तान। दुनिया की तमाम दहशतगर्द किस मुल्क में जाकर छिपते हैं? पाकिस्तान। तो ऐसे मुल्क में अगर आप ये कहें मुस्तकबिल, तो सोचकर ही खौफ आता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारे बुजुर्गीन थे उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया कि भाई भारत में ही रहना है, भारत में रुकना है। हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा है, वाकई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आई बिलीव के हैं और होती थी उस टाइम पर, और एंशियंट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, और इवन के वो चीजें जो उन लोगों ने उस टाइम पर डिस्कवर करके बना दी हुई थी वो आज के टाइम के लोग भी हैरान है कि वो किस तरह। अगर आप ओरिजिनल सनातन में जाएं तो आपको कहां जात पात नजर आती है? हजारों साल पहले वेद आए, पुराने आए, फिर भगवानों के जो अवतार आना शुरू हुए और इस तरह आस्ते आस्ते चीजें डेवलप हुई। एक किताब वाला धर्म नहीं है, इसमें किताबें भी बहुत हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, वेद हैं, काफी चीजें हैं और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। कोई ख्याली किताबों में नहीं जाता कि भाई आप मर जाओगे, ये टेम्पररी दुनिया है, मर जाओगे फिर जन्नत में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, हिसाब किताब होगा, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। प्रैक्टिकली विद प्रूफ लॉजिक हम लोगों को चीजें हमारे सामने आती हैं। उससे पहले आपको बता भी दी जाती थी ना तो आप लोग इतना मतलब एक आम बंदे की मैं बात करूंगी कभी फोकस नहीं किया जाता, लेकिन जब से हम लोगों ने वीडियोज देखी है, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा है, वाकई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आई बिलीव के हैं और होती थी उस टाइम पर, और एंशियंट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें वो डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोगों को नजर आती है। उसकी एग्जिस्टेंस हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में है। अगर हम लोग बात करें तो हमें बहुत पुराने पुराने ऐसे टेम्पल्स दिखाई देते हैं, ऐसे सिटीज दिखाई देते हैं, या फिर हमें ऐसे केव्स दिखाई देती हैं, ऐसी सिविलाइजेशन दिखाई देती हैं जो कि अपने आप में एक बोलता सबूत है कि उस टाइम पर लोग कितने एडवांस हुआ करते थे, जिस पर लोग आजकल के रिसर्च कर रहे हैं, और इवन के वो चीजें जो उन लोगों ने उस टाइम पर डिस्कवर करके बना दी हुई थी वो आज के टाइम के लोग भी हैरान है कि वो किस तरह से वो चीजें बनी हुई है और आज तक उनकी वो एक मतलब एक कहते ना लाइफ कैसे है अभी तक। यार ये मैं अगर बात करूँ ना पुराने जमाने में जो चीजें जिस तरह इस्तेमाल की जाती थी, लोग मेरे लगता है काफी ज्यादा होनहार होते थे उस जमाने में, वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, चीजों को जिस तरह समझते थे। आजकल तो नो डाउट लोग उस तरह चीजों को नहीं समझते क्योंकि आजकल का वक्त ही बहुत
बहुत ज्यादा ना वो मिक्स हो चुका हुआ है, लेकिन उस जमाने के जो लोग थे जिस तरह वो चीजें बनाते थे, हर चीज का ध्यान रखते थे, जैसे हम पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अगर ना डिस्कवर हुई होती तो हम लोगों ने कहाँ मानना था, ठीक है ना। लेकिन वो डिस्कवर हुई है, जब हम उन्हें देखते हैं अपनी आंखों से, उनका एक निज़ाम देखते हैं, तो पता चलता है कि भाई ये लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे। अगर हम अपनी बात करें, जब हम तक्षशिला गए थे तो वहाँ पर जब हमने वो जाके स्टूपा के इर्द गिर्द देखा तो वहाँ पर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम था, वहाँ पर पानी इकट्ठा करने का जो सिस्टम था, फिर जो बारिश हो तो जो पानी वहाँ पर खड़ा ना हो, वहाँ पर जो नालियाँ बनी हुई थी, जो सिस्टम था, हम खुद देख के वाकई में हैरान थे कि यार उस जमाने में चीज़ों वो कितना ज्यादा एडवांस रखा गया था, कितनी ज्यादा चीजों को वो एक वो दी गई थी, यानी कि इंपॉर्टेंस दी गई थी। अब अगर हम देखें तो अब तो खैर बहुत ज्यादा वो डिफरेंट है ना, लेकिन नो डाउट पुरानी चीजें जो एंशियंट चीजें हैं वो वाकई किसी ना किसी वक्त में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन मैं यहाँ पर मौजम से एक के साथ एक और बात यहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत हजारों साल पहले, मतलब कि सबसे पहले की बात कर रहे हैं बिल्कुल, और उस टाइम पर ये सारी चीजें हुई हैं कि आपको विमान बनाने के बारे में बताया गया है, फिर उसके अलावा आपको जैसे कि कॉस्मोस के बारे में, ऑनेस्टली बोलो तो मुझे कॉस्मोस का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, और हाँ मतलब साइंस से रिलेटेड चीजों का मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये कि एक चीज जो इतने हजारों सालों पहले बुक्स में थी और जिस तरीके से बताया गया, इवन कि मैं बहुत हैरान हुई हूँ एक चीज को लेकर कि जो वो डमरू का साउंड है उसको लेकर के जो क्रिएशन होती है, मतलब कॉस्मोस की या क्या यूनिवर्स की जो मतलब वो क्रिएशन होती है, मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ वैसे, क्योंकि अगेन मैं कह रही हूँ मुझे साइंस से इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे भी कॉस्मोस का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कि मैं इसको सीखूंगी, मैं इसको पढ़ूंगी और समझूंगी, मुझे भी समझाइएगा, बिल्कुल समझाऊंगी। तो ये वाकई में हैरान कुन चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि आप इनके बारे में सोचते, और फिर उसके बाद फायर के बारे में कि ये जो दुनिया है ये अग्नि से बनी है, और पता है जैसे, और अग्नि से ही इसमें